इन्होंने गाड़ी इतनी फ्यूचरिस्टिक बनाई, ये ऐसे डिस्प्ले बना दी भाई, ये पूरी घूम भी जाती है इस तरीके से। हेलो भाई, मैं अरुण पवार। हमारे इंडिया में भाई 150 करोड़ लोग रहते हैं और मैं गारंटी से कह सकता हूँ 140 करोड़ इंडियंस ने भाई इस गाड़ी का नाम ही नहीं सुना होगा, गाड़ी छोड़ो इस कंपनी का नाम ही नहीं सुना होगा भाई। ये है BYD भाई, लोगों को यही नहीं पता ये BYD है क्या, ये गाड़ी कौन सी है और ये कब कब में आ गए और कौन कौन सी इनकी गाड़ी बिक रही है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी मोटी दिक्कत है भाई खुद कंपनी की, BYD इंटरनेशनल कंट्रीज में जाते हो बहुत तगड़ी इनकी इनकी गाड़ी जाती हैं, बहुत तगड़ा मतलब सिस्टम है इनका। पर इंडिया में आ तो गए लेकिन भाई कोई धूम धड़क का नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि भैया इनकी ऐसी भी गाड़ी इंडियन मार्केट में एग्जिस्ट करती है। और कीमत बता दूं मैं आपको इस गाड़ी की, ये भैया आपकी 35 लाख रुपये की ऑन रोड कॉस्ट करती है। बताओ लोग खरीदते हैं 35 लाख रुपए की। अभी आपका BYD, चलो भैया हमने भाषण तो सुन लिया है, कोई नाम बताओ BYD। BYD का फुल फॉर्म है भाई बिल्ड योर ड्रीम्स, ये खुद ही लिख के देते हैं कि भैया किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और ये गाड़ी का नाम है Atto 3। अभी थोड़े दिन पहले ही मतलब साल दो साल पहले ही ये गाड़ी आई थी भाई इंडियन मार्केट में, और ऐसी गाड़ी है ये। इसकी रेंज वगैरह है 521 किलोमीटर, सिंगल चार्ज में चलती है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ग्रीन नंबर प्लेट से तो समझ ही गए होंगे। हालांकि इसकी डायमेंशंस वाइज ये बिल्कुल भी नहीं लगती भाई कि ये वो होगी आपकी 35 लाख रुपए की, ये क्रेटा सेल्टो जैसी ही नजर आती है। सबसे पहले लाइट देखो भाई, इन्होंने मैं फीचर अंधाधुंध दे रखे हैं इस गाड़ी के अंदर, अंधाधुंध। ये DRL और यही आपके इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। लाइट दे रखी भाई ब्लू ब्लू से शेड से इसके अंदर, और यहाँ पे कोई फॉग लाइट वगैरह है नहीं। और इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो एयर इनटेक का भी कोई सिस्टम है नहीं, यहाँ नॉर्मल BYD वगैरह लोग लगा दिए इन्होंने। आगे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलते हैं और यहाँ पे एडास भी मिल जाता है, फ्रंट पे कैमरा भी मिल जाए, तो इसके वाइपर वगैरह और यहाँ पे चेसी नंबर वगैरह इसका लिखा हुआ है। साइड से आप देखोगे तो यहाँ पे अलॉय व्हील दे रखे हैं, थोड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल में जैसे आते हैं उस तरीके का ही डिजाइन आता है इसके अंदर। 215/55 R18 की प्रोफाइल है भाई इसकी, और यहाँ से चार्ज करते हो आप अपनी गाड़ी को, ये आपके अनलॉक होनी चाहिए। ये देखो ये फास्ट चार्जर और एक AC DC आपको दोनों पोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ से आप चार्ज करते हो। तो यहाँ पे नॉर्मली जैसे अपना घर के ही नॉर्मल सॉकेट होते हैं, वायर देखो खूब लंबी होती है भाई, यहाँ पे इस तरीके से ये लग जाता है। जैसे ही मैं गाड़ी को, अब मेरे को जैसे चार्जर हटाना है कहीं चलना है, ये अनलॉक करी मैंने गाड़ी, इसको मैं थोड़ा सा ये करूंगा और बस हट गया अपना चार्जर। 60 किलोवाट का इसके अंदर बैटरी पैक लगा हुआ है भाई, और यहाँ पे इसके यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आ रहा है, ऑटो फोल्ड मिरर आ रहे हैं, रूफ रेल है, पैनोरामिक बड़ी सी सनरूफ है, और पीछे से आप बात करोगे तो इस तरीके से ट्रंक ओपन करना है, तो जस्ट प्रेस करिए, इलेक्ट्रॉनिक के सारा सिस्टम मतलब मैं कह रहा हूँ ना फीचर्स है। इसके अंदर भी ना हमको दो चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो हर गाड़ी EV में आती है। एक आता है 7.2 किलोवाट का अपना जो चार्जर होता है पोर्टेबल, जिसको आप कहीं पे भी चार्ज कर सकते हो। एक आता है भाई 80 किलोवाट का DC फास्ट चार्जर, उससे गाड़ी दम चार्ज हो जाती है। लेकिन जो इनका वो वाला चार्जर है ना, ये वाला जो आप नॉर्मली कहीं लेके चलते हो, उसमें बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है भाई ये। यहां से हम इसके बूट को क्लोज कर सकते हैं, पार्सल ट्रे और बूट स्पेस वगैरह भी इसका अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। नीचे आप बात करोगे तो स्टेपनी वगैरह आपको यहां पे देखने के लिए नहीं मिल रही है भाई इसके अंदर, और कैमरा इसका यहां पे दिया गया है। तो कहते तो होगी बाहर बाहर से गाड़ी के लोग, मेन जो इसकी अट्रैक्शन है ना भाई वो है अंदर से भीतर से। मतलब बाहर से नॉर्मल गाड़ी लग रही होगी आपको, ऐसी कुछ हाई फाई कुछ भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा खोलूंगा आप भी कहोगे अरे यू कहां चीज भाई, ऐसा ही रिएक्शन निकलता है भाई सबका। यहां देखना ये इसका स्पीकर आता है, लेकिन यहां पे गिटार वाला सिस्टम लगा रखा है, जैसे गिटार बजाएगा कोई यहाँ पे। और यहाँ पे हो गया इसका ग्रैब हैंडल, लेकिन क्वालिटी भाई थोड़ी सी ऐसी ही है। मतलब ये देखो, मतलब टूटेगा वूटेगा तो नहीं, और जैसे डोर वोर खुला रहेगा कुछ सिस्टम रहेगा, तो देखो आवाज़ कैसी करती है। उसकी साउंड वाउंड भी बिल्कुल अलग है, अगर आपको ट्रंक यहाँ से ओपन करना है तो यहाँ से हो जाएगा। अब आप कहोगे यार लॉक अनलॉक करने का सिस्टम तो हमको दिख नहीं रहा अरुण भाई, भाई ये यहाँ से होता है। देखो ये देखो ये अनलॉक करने गाड़ी, और हमें यहाँ वो डंडी सी होती है या फिर यहाँ पे होती है, इन्होंने ये ऐसा सिस्टम दे रखा है, ट्विटर के ऊपर इन्होंने प्लेस कर रखा है, मतलब कुछ अलग बनाने की कोशिश करी है। ये पूरा इंटीरियर इस तरीके का आता है भाई, देखना सीट्स भी देखना बिल्कुल स्पोर्टी टाइप, जैसे कोई रॉकेट फॉकेट की हो, मतलब पूरा थीम ही इस तरीके का है। देखो जैसे ये वाली चीज़ है, इधर चलता हूँ भाई, ये देखो एक चीज़ में रद्द पीट दी इन्होंने इसमें भाई, डिस्प्ले में मतलब MID एक हुई है, ये इतनी बड़ी लगा दी। स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट करने के लिए हमको यहाँ पे ये वाला बटन दबाना पड़ेगा। देखो क्या चिड़िया सी चहचहाती हैं, ये इसकी चाबी है, लॉक का बटन, अनलॉक का बटन, बूट अनलॉक का बटन है, और यहाँ से हम गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हैं, वो वाला सिस्टम है। AC बहुत घटिया है इस गाड़ी का, चलता ही नहीं अगर गाड़ी खड़ी है ना, तो फिर तो चलेगा ही नहीं। ये मैं समझ ना ये क्या चीज़ है भाई, उड़ेगा क्या कुछ एरोप्लेन का था? ये एक्चुअली इसके AC वेंट्स हैं, ये फुल स्पीड पे AC चल रहा है तब भी भाई, पता नहीं सब EVs में दिक्कत है या AC में ही है, खड़ी में इतना चिल्ड नहीं करता। अगर बहुत ज्यादा तेज गर्मी हो ना तो भाई समझ लेना भूल जाओ, गाड़ी के अंदर बैठ जाओगे तो। यहाँ पे 46 डिग्री सेल्सियस हो, खुद देखो आप अप्रैल के महीने में, वहाँ इसका AC फीका पड़ रहा है भाई, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। ये इसका छोटा सा मीटर मिलता है, तो इन्होंने गाड़ी इतनी फ्यूचरिस्टिक बनाई, ये ऐसे डिस्प्ले बना दी भाई, ये पूरी घूम भी जाती है इस तरीके से, लेकिन इसमें रद्द पीट दी यार, ये क्या है। अब देखो इसमें आप अगर नोटिस करोगे तो पहले सब कुछ ऐसे आ रहा था आपका,
हॉरिजॉन्टल, अब सारा कुछ वर्टिकल हो गया है। अब मेरे को फिर से घुमानी है तो इन्होंने ये मोटर सी लगा रखी है गाड़ी, हालांकि 30,000 किलोमीटर चल रखी है लेकिन स्टिल इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। देखो पीछे से कैसे घूमता है, मैं आपको अगेन करके दिखाता हूँ। ये थोड़ी मतलब सेटिस्फेक्शन सी तो लगती है, बट थोड़ा एक बार प्रैक्टिकली सोचे तो कोई इसके साथ खेलेगा ही क्यों, पर वो ये ठीक है। चलो देखो फीचर्स के नाम पर कुछ तो दिखाना ही पड़ता है भाई कस्टमर वगैरह को। यहाँ पे आता है अपनी स्पीड, यहाँ पे बताता है भाई कितनी 59% चार्ज है तो 285 किलोमीटर चलेगी गाड़ी। यहाँ पे ईको दिखा रहा है, यहाँ पे ओडोमीटर है आपका, यहाँ पे भाई अपने किलोवाट पर किलोमीटर के हिसाब से कितनी चीज क्या कुछ चार्ज पी रही है वो बता रहा है। ये जब हम चार्ज चलाते हैं गाड़ी को तब यहाँ पे अपडेट होते हैं चीजें। ये भाई इसके अंदर एडास वगैरह फीचर आते हैं तो सारी क्रूज कंट्रोल और वो सारी चीजें आती हैं एडास से रिलेटेड की भाई। लेन डिपार्टमेंट मिलते हैं, मीडिया के कंट्रोल, वॉल्यूम अप डाउन वगैरह, ये देखो ऐसे लगता है भाई किसी ने टैबलेट लगा दिया हो जैसे एंड्रॉइड वगैरह में होता है ना पूरा सिस्टम। यहाँ पे मिलते हैं हमको भाई इसके हेडलाइट्स के कंट्रोल और यहाँ पे वाइपर है, सब कुछ ऑटोमेटिक है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो भाई इसके एसी वेंट्स और इंटीरियर काफी अजीब सा फ्यूचरिस्टिक सा आप देखोगे बिल्कुल मतलब बढ़िया सा ही लगता है। पर भाई पता है एक चीज है, अच्छा गाड़ी में कितना भी कुछ हो कितनी भी ज्यादा फीचर्स हो लेकिन एक चीज अगर मिसिंग है तो गाड़ी में मजा नहीं आता, वो बहुत भाई समझ गए होंगे भाई। ये IRV में तो इलेक्ट्रॉनिक है लेकिन इसके अलावा एक चीज और है, वैसे इसमें सनग्लास होल्डर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा भाई यहाँ पे, वो भाई एक अच्छी फ्रेग्रेंस और वो किससे मिलती है, वन एंड ओनली इन्वॉल्व योर सेंसेस के परफ्यूम भाई। ये ना इस तरीके से IRV पे अपना हैंग होता है ये हैंगिंग कार्ड, अब आजकल तो बहुत सारी गाड़ी में आपको देखने मिलता है। एक प्रीमियम से दिखने वाली बोतल आती है जो कि 2 से 3 महीने तक चलती है, बस 2 स्प्रे करने होते हैं हमको और भाई पूरी गाड़ी जबरदस्त महक जाती है। तो भाई देखो गाड़ी इलेक्ट्रिक हो, IC इंजन हो या फिर हो आपकी CNG ही, उसमें जरूर होना चाहिए इन्वॉल्व योर सेंसेस के परफ्यूम्स। ये IRV हो गया भाई इसका और इसकी ये सनरूफ काला इंटीरियर है ना, तो मैं कह रहा हूँ ना AC पे जोड़ना इसलिए डाल रहा हूँ भाई क्योंकि बहुत बुरी तरह गाड़ी तपती है, अगर हमको खोलना है तो इस तरीके से खोल देंगे हम और ये पूरा ये ब्लाइंड फोल्ड हट जाएगा और ये गाड़ी अपनी सनरूफ अपनी खुल जाएगी। गाड़ी का तो क्या ही खोलना है और सनरूफ भी भाई काफी ह्यूज है। इसके टच कंट्रोल है भाई, कोई बटन नहीं है दबाने वाला सिस्टम, बस टच करो ऐसे पूरी खुल जाती है। यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे मिरर दे रखा है, देखो इतनी गर्मी है पसीने पसीने हो रखा है आपका भाई, और यहाँ पे लाइट है इसकी, यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे मिरर के साथ एक लाइट इन्होंने दे रखी है। अब मेन आते हैं भाई कंसोल पे, इसको पहले मैं लगा दूं, बहुत तपती गर्मी है, यहाँ को AC बेकार है। यहाँ पे वायरलेस चार्जर मिल रहा है, ये मिलता है भाई इसका हमको गियर नॉब, जहाँ पे हमको अगर गियर शिफ्टिंग करनी है तो ये D ये N ये रिवर्स ऐसे लगेगा, और 360 डिग्री कैमरा है, पूरा दिखाता भी है कि भाई कहाँ का आपको देखना है, दोनों शीशों के नीचे कैमरा है। और इसमें ये भी फीचर है क्योंकि साइड से आता है तो भाई ये एक्सेलरेटर मार्क सा आपका जल जाता है कि भैया अभी ओवरटेक मत करो पीछे कोई जाट आ रहा है आपके। यहाँ पे बात करते हैं भाई वॉल्यूम अगर आपको अप डाउन करनी है तो यहाँ पे भी वाला सिस्टम दे रखा है, इसको ना टेढ़ी कर देता हूँ, उसमें फील आती है, देखो ये टेढ़ी हो गई हो जा, देखो पूरी स्क्रीन बदल जाती है। और बात रही भाई स्क्रीन की, अरे भाई स्क्रीन में इतने फीचर हैं आप कहोगे क्या सौदा है भाई, स्पॉटिफाई वगैरह इनबिल्ट हैं सारी चीज़ें, फ़ोन वगैरह, थोड़ी ब्राइटनेस कम लग रही होगी आपको भाई क्योंकि वही बता रहा हूँ ना मैं, ब्राइटनेस भगवान ने इतनी कर रखी है कि बस क्या बताएं। देखो स्पॉटिफाई, एप्पल कारप्ले वगैरह आप इसमें वायरलेसली सब कुछ चला सकते हो। व्हीकल इमेज आपको देखनी है तो ये सारे कैमरे आपको दिखा देगा, दर्शा देगा, यहाँ से स्क्रॉल करके हमें एंड्रॉइड फोन की तरह आता है, ब्लूटूथ वाईफाई, मतलब आजकल गाड़ियों के अंदर ही भाई ये फोन लगा के देने लग गए हैं। ये देखो ABS ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफ, ये सब आप मतलब डिस्प्ले से ही सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हो। सनरूफ के अगर आपको कंट्रोल चेंज करनी है तो आपको कितनी खोलनी है क्या खोलना है, क्लोज वेंट कंफर्ट ओपन हर तरीके से। इसमें देखो भाई हाई बीम असिस्ट वगैरह पूरे फीचर मिलता है, मतलब अगर गाड़ी हाई बीम पे रहती है ना खुद बोलती है कि अपनी सेफ्टी के लिए लो बीम कर लो, बताओ कितनी समझदार गाड़ी है। एक्टिव सेफ्टी में आप देख सकते हो भाई कितना कुछ है, ESC हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन ऑफ वगैरह करना हो आपको इसमें ही सारा सिस्टम दे रखा है, मतलब कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है। कोलिजन वार्निंग वगैरह वो एडास के फीचर हो गए, पार्किंग असिस्टेंस आपको, पैनोरामिक इमेजेस वगैरह देखनी है, अरे तू बार बार इस पे जोर लगाते हैं यार ये वाली कंपनियां। बाकी न्यू एनर्जी पे जाओगे तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग वगैरह कितनी परसेंट चार्ज है वो आपको यहां से दिख जाएगी, चार्जिंग सेटिंग आपको करनी स्मार्ट चार्जिंग वगैरह, पूरा रिजर्वेशन चार्जिंग वगैरह वो आप यहाँ पे पूरा सेट कर सकते हो, कंजप्शन देख सकते हो, टोटल माइलेज गाड़ी इतनी चल रखी है और क्या कुछ ये एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो पूरा डेटा वगैरह भी पूरा देख सकते हो और पूरा मतलब सारा कुछ दिखाती है भाई गाड़ी आपकी। एमएन लाइटिंग गाड़ी में आती है भैया 36 तरीके की 36 से भी ज्यादा ही है, आप खुद देख लो। एमएन लाइट की ब्राइटनेस आपको फुल करनी है तो बहुत बढ़िया आपको करके दे देगी, और वेलकम लाइट वगैरह। यहाँ पे देखो ये जो लगा रखा है ना ये तो अपना हो गया ड्राइव का, स्टार्ट स्टॉप का बहुत प्रीमियम लगता है भाई, वॉल्यूम कंट्रोल, ये AC के सारे कंट्रोल हो गए, ऑटो पे कर दोगे तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल चल जाएगा। ये मोड आते हैं भाई इको है, अभी स्पोर्ट लग गया,
अभी नॉर्मल लग गया, इस तरीके से ये वाले वर्क करते हैं। ये होता है रीजनरेशन का भाई, हाई लो, इसका क्या मतलब होता है, जैसे आप गाड़ी की रेस छोड़ दोगे तो कितनी हाई आपको ब्रेकिंग वगैरह चाहिए। यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है भाई आपकी, यहाँ पे मिलता है हमको इसके बाकी मोड्स आपको भाई, सैंड मार्ड वर्ड वो वाला सिस्टम। बस एक दिक्कत है, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है यार, हद कर दी। यहाँ पे भाई दो कप होल्डर मिल रहे हैं, और यहाँ पे मिलता है भाई हमको इसका बड़ा सा ये आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज भाई साहब, ग्लव बॉक्स है। और इसको मैं जैसे ही करूंगा तो आप देखो पूरा सिस्टम, यहाँ पे भी गिटार विटार इन्होंने लगा रखा है। चलो जी, ये तो हो गई आगे की बात, और गाड़ी चलने लगी। सॉरी, स्पेस बहुत है भाई गाड़ी में। हालांकि ये लगता है कि सीट ऊपर को आ गई, लेकिन ये लेग स्पेस पीछे के लिए ठीक है। ओवरऑल इंटीरियर कुछ इस तरीके का लगता है, और यहाँ पे आप देखिए एसी वेंट हो गए पीछे के साइड आते, तो ओवरऑल इंटीरियर इस तरीके का आता है भाई, लेग स्पेस वगैरह ओके है ही। और यहाँ पे एक टाइप ए पोर्ट मिल रहा है, एक टाइप सी पोर्ट मिल रहा है, बीवाईडी डिजाइन लिखा गया है। यहाँ पे भी इन्होंने एसी वेंट्स का वही डिजाइन दिया है, और ये हमको ज्यादा बंद चालू करने तो उसके लिए भी प्लस माइनस ये वाला सिस्टम दे रखा है। यहाँ पे हमको मैगजीन होल्डर वगैरह मिल जाते हैं, और यहाँ पे भाई इसका ये आर्मरेस्ट भी, और भाई नेकरोज देखो कितने बड़े बड़े दे रखे, 7 एयरबैग इसके अंदर आते हैं। और देखो चाइनीज सी है, जापानी में क्या लिख रखा है आप खुद पढ़ सकते हो, तो ये कहाँ की, वहीं की कंपनी है कोई, आराम से यहाँ पे बढ़िया चुपचाप धंधा कर रही है, कोई प्रमोशन नहीं, कोई हल्ला नहीं मचाना, आराम से चुपचाप ब्लैक इंटीरियर के साथ ऐसा सिस्टम है भाई। पावर विंडो वगैरह आपको वन टच ऑटो अप डाउन मिल जाती है। हाँ भाई सही कह रहे हो, चारों की चारों, एक बार करा अपने खुल जाएगी, एक बार ऊपर करा बंद हो जाएगी। फीचर्स के मामले में तो कमी छोड़ ही नहीं रखी, लाइट फाइट भी सारी टच है अपनी, डिम करनी है ज्यादा जलानी है, सारा कुछ आपके हाथ में है। अब घने मोबाइल एंथुसियास्ट भाई सोच रहे होंगे, अरे पीछे तो चार्ज कर लेंगे, आगे तो हमने चार्ज करने का हमको सिस्टम ही नहीं दिखा वायरलेस चार्जर के अलावा। ये रहा भाई साहब, ये रहा, टेंशन ना लो, ये देखो मेमोरी कार्ड बीच में लगता है, ये लगता है हमारा एक यूएसबी ए हो गया, टाइप सी यहाँ हो गया, 12 वोल्ट का लाइटनिंग पोर्ट यहाँ हो गया, और ये अपना आर पार भी सौदा है ऐसे, ये पूरा, ये इसके ब्रेक पैडल वगैरह हो गए, बोनट ओपन करना है तो जस्ट ऐसे हो जाएगा। अब जैसे भैया आप भी सोच रहे होगे कि यार इसमें इतना ऐसा क्या है कि भैया 35 लाख रुपए के साइज ना कुछ ना, तो एक्चुअली भाई तो ये आपकी भाई सीकेडी यूनिट है, यानी कि कम्प्लीटली नॉकडाउन। इसका मतलब क्या होता है कि इसके जो पार्ट्स है ना सारे वो बाहर से आते हैं, लेकिन इंडिया में केवल ये असेंबल होती है, सारे पार्ट्स आ गए। आप चेन्नई के पास उन्होंने एक प्लांट लगा रखा है, वहां पे इस गाड़ी को पूरा पूरा जोड़ के और वो कर देते हैं। अगर ये सीबीयू होती कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट तो फिर तो और भी ज्यादा इसका प्राइस बढ़ जाता। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर भाई 201 बीएचपी निकाल देती है। हाँ भाई, जो एक्सयूवी 700 में पेट्रोल इंजन आता है 2000 सीसी का, उसके बराबर, और 350 एनएम का टॉर्क, IP67 रेटिंग के साथ आती है, यानी कि पानी पत्ता में भी ले जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई 7.3 सेकंड में कंपनी क्लेम करते हैं गाड़ी आपकी 100 पहुंच जाती है। बाकी सेफ्टी वाइज तो भाई इन्होंने इतने फीचर डाल रखे हैं, मैं बताता बताता थक जाऊंगा, आप खुद स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं कह रहा हूं ना जितना पॉसिबल बेस्ट था सारा दे दिया है। 8 स्पीकर आ रहे हैं इसके अंदर भाई, अपन ट्विटरों को जोड़ के। गाड़ी के अंदर चारों डिस्क ब्रेक आएंगी आपकी, पीछे मल्टीलिंक सस्पेंशन है, आगे मैकपर्सन है, एक आपको ऐसी चाबी मिलती है, एक आपको मिलता है एनएफसी कार्ड, यानी कि वो क्रेडिट कार्ड जैसा होता है पूरा पूरा, उसको अपर से में रख लो, उससे भी आप गाड़ी में एंट्री लॉक वगैरह आराम से कर सकते हो, क्योंकि रिक्वेस्ट सेंसर पुश स्टार्ट बटन है तो वो काम करेगा। दूसरा, एयर प्योरीफायर भी है गाड़ी के अंदर भाई साहब आपका, एयर प्योरीफाइंग सिस्टम, अपने अंदर की हवा वैसे थोड़ी सी गर्म बेशक हो पर प्योर होती रहती है इनके अकॉर्डिंग। और जैसा कि बूट में इन्होंने स्पेयर टायर नहीं दे रखा, तो टायर रिपेयर किट दे रखी है, जिससे अपना वो लगा के आप थोड़ा वो होता है ना आजकल देते हैं ईवीज में भाई, कि थोड़े टाइम तक चल जाएगी। तो भाई कैसी लगी आपको BYD Atto 3 कमेंट्स में जरूर बताएं, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब भाई जैसे चला के ले आए तो आप घर पे लाके इसको खड़ी कर दो, फिर ये चार्ज होने लग जाएगी। नॉर्मल गाड़ी में पार्क रहते कुछ नहीं खड़ी रहती है, इसको पार्क कर दी गैल, थोड़ा सा एफर्ट है 1-2 मिनट का, उसमें चार्जिंग लगा दो छुट्टी भाई, चार्ज अपना लाके यहाँ पे। ये नॉर्मल तो सबके घर पे वो होता ही है, ये वाला चार्जर आता है भाई इसके साथ 7.2 किलोवाट का, ये वाला ऑन कर देंगे MCB, और यहाँ से वायरिंग फैला के भाई आपकी, और ये गन की तरह इसमें पौधो लगा दो, ये यहाँ से ये लो ये लगा दी, वहां से MCB ऑन करो और गाड़ी स्टार्ट होने लग जाती है भाई। कितनी गुड चीज है, 1000 रुपए लूंगा, 24 घंटे आएगी तेरी गाड़ी लगते लगते, पहले बता दिए 1000 रुपए की तुम्हारी पीली बन गो।